नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के एलोरा की घाटियों में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर की ओर, जिसे हम कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण प्रक्रिया ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं। यह प्राचीन धरोहर भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक है। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित यह मंदिर अद्वितीय वास्तुकला और अपार आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रहस्य है। कहा जाता है कि कैलाशनाथन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, परंतु आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि उस समय के साधनों के साथ यह अद्भुत संरचना कैसे बनाई गई। मंदिर को एक ही विशालकाय चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह एक मोनोलिथिक संरचना है, जिसका अर्थ है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है, जैसे मूर्तिकार अपनी मूर्ति तराशता है। इसे बनाने के लिए करीब 2000 टन पत्थर हटाया गया था। यह प्रक्रिया कैसे पूरी हुई, आज भी एक बड़ा रहस्य है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस अद्वितीय निर्माण के पीछे किसी अज्ञात तकनीक या शक्ति का हाथ था। कुछ का कहना है कि यह मंदिर उस समय के विज्ञान और गणित की उन्नति का परिणाम था। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में भगवान शिव की भव्य प्रतिमा है और चारों ओर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की जटिल नक्काशियां हैं। इन नक्काशियों की बारीकी और सुंदरता देखकर मन में सवाल उठता है कि इतने प्राचीन समय में ऐसी कला कैसे संभव थी। कैलाशनाथन मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और प्रतिभाशाली थे, परंतु इसके निर्माण की विधि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाशनाथन मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवंत गाथा है जो हमारे इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की धरोहर है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितनी अनूठी और उन्नत तकनीक थी, जिसकी गुत्थी आज भी सुलझाई नहीं जा सकी है। आइए हम इस अद्वितीय धरोहर का सम्मान करें और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश जारी रखें। कैलाशनाथ मंदिर हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।